सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो अब नासिक में पहुंच चुके हैं गाइस। सॉरी मैं दिखा नहीं पाया पुणे से नासिक में कैसा रहा ओला का एक्सपीरियंस, लेकिन अब पहुंच चुके हैं। और आज हमें लेना है माइक लेना है, और दिखाऊंगा मैं आपको कैसा है कोई माइक। दादाजी ने बोला कि चालू करके देखो, तो एक बार वो करके देख लेंगे। सो गाइस, जैसा कि आपने देख लिया था कि मारुति चालू नहीं हो रही थी, तो थोड़ा ऊपर आ गए हम। मैं आपको दिखाऊंगा जो बचपन में जो डब्बू कंप्यूटर था ना, डब्बा वही कंप्यूटर है अभी भी। अगर कमेंट करना आपके पास भी ऐसा कंप्यूटर होगा तो। बहुत पहले आता था, गेम खेलते थे, आपको याद होगा हम सब। अब कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में मेरे बुक्स भी लेने जाना है और माइक भी लेने जाना है, तो वो लेने के बाद आपको अगला ब्लॉग मिलेगा। बाय। सो गाइस, माइक तो लेके आ चुके हैं और अब अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। सो ये है इबॉन की तरफ से आया हुआ माइक। सो मैंने लोकली परचेस किया था, इसकी कुछ 170 प्राइस थी, हालांकि MRP कुछ और ही है, जैसे कि देख सकते हो 699 है। सो अब हम अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। सो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग में आता है, और अब देखते हैं अंदर क्या है। सो कुछ ऐसा इसमें आता है। देखिए, अगर आप ट्रैवलिंग करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये। ये पाउच है, जिप लॉक वाला पाउच है। सो इवन की ब्रांडिंग है। तो देखिए गाइस, ये है माइक। अगर आपको लेना है तो आप ज़रूर अमेज़ॉन पे कॉलर माइक के नाम से सर्च कीजिए। ये देख सकते हैं 3 मीटर्स का है, जो कि बहुत लंबा है, इसलिए हम इसे ऐसे बांध के शूट करेंगे। सो गाइस, अब जो आप आवाज़ आप सुन रहे हैं वो इस माइक से है। सो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा आवाज़ है। सो अगर आपको परचेस करना हो तो आप अमेज़ॉन से भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने लोकली प्रेफर किया क्योंकि अमेज़ॉन पे बहुत लेट डिलीवरी थी और यहाँ पे टेस्ट भी हो जाता कि कैसा है माइक। सो अगर आपको माइक पसंद आए तो कमेंट में बोलना। सो गाइस, प्रॉब्लम ये हुई है कि जो हमने माइक लिया था उसकी जो क्लिप है वो एक टच में टूट गई। सो मेरा जो डिसीजन था फिजिकली लेने का वो रॉन्ग था। तो आपको लेना हो तो अच्छा लीजिए, जो कि 300 तक आए, और उसकी क्लिप ज़रूर देखना, ऐसे पतली ना हो, थोड़ी जाड़ी होनी चाहिए जिसके अच्छे से वो बैठे। सो मैंने गया और रिटर्न कर दिया उसको। सो आप लेना तो भी ठीक से क्लिप देख के लेना।